देखिए ऐसा है कि हमारे पास बहुत से फोन आते रहते हैं कि हम थोड़े से थोड़ा खाते हैं, वो भी हजम नहीं होता। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं एक ऐसा ये नुक्ता है जिसको हमारी पुराने टाइम में हमारे जो बुजुर्ग हमारी दादी नानी वगैरह थी वो घर में बना के रखती थी। अगर आप भी इसको बना के रखेंगे और घर में प्रयोग करेंगे तो आपको कभी भी हाजमे की शिकायत नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता था कि सबसे पहले देखिए आप नीचे से देखिए गैस जला ली हमने और ये बर्तन रख लिया। इसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता था, अजवाइन ले ली जाती थी। अजवाइन लेके और इसको हम इसके अंदर भून लेते हैं थोड़ा। अजवाइन को सिंपल कोई चीज नहीं डालनी, ऐसे भून लेनी है। और भूनने के बाद हमने इसका क्या करना है अभी हम प्रयोग करके बताएंगे और किस प्रकार इसका चूर्ण तैयार हो जाएगा कम्प्लीटली और कितनी कितनी मात्रा में डालनी है ये भी हम बताएंगे आपको। और आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप जो भी खाएंगे आपको हजम हो जाएगा। तो बच्चे बूढ़े सब इसको खा सकते हैं, जिनको खाना हजम नहीं होता। इसको खाने से तो आपको पता है अगर हाजमा ख़राब हो तो उससे हमें कितनी बीमारियां लग जाती हैं। पेट में गैस बनती है, तेजाब बनता है और उसके अलावा जब पेट में गैस और तेजाब बनती है गैस सिर की तरफ जाती है तो सिर में दर्द होता है। और कई बार अगर ज़्यादा ही गैस बनती है हमारी टांगों की तरफ हमारे इन साइडों में जाती है तो इन साइडों में जाके इन साइडों में भी दर्द करती है, इन दोनों साइडों में भी दर्द होता है। कई बार गैस छाती में यहाँ रुक जाती है तो छाती में दर्द होता है और हार्ट की तरफ चली जाए तो नुकसान होता है, खतरा रहता है। लेकिन अगर हम इस चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। देखिए हमने ये आपके सामने ये अजवाइन को हमने जो है ये गरम किया है और इससे ये देखिए इस रंग की हो गई है। और हमने उसके बाद क्या करना है आप देखते रहिए, ये इसका रंग चेंज हो जाता है अजवाइन में। ये कच्ची अजवाइन है और ये भुनी हुई अजवाइन है, दोनों का फर्क आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। अभी हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने थोड़ा सा घी ले लेना है। घी लेके घी से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने घी इसके अंदर गरम कर लिया, डाल लिया घी। और घी के अंदर हमने क्या करना है आप ये देखते रहिए कि किस प्रकार से तैयार हो रहा है और तैयार होने के बाद ये कितना प्रयोग करना है। हमने इसके अंदर ये छोटी हरड़ जिसको काली हरड़ भी बोलते हैं ये घी के अंदर हमने अच्छी तरह से तल लेनी है। और इसकी जो हमने वो आग है वो बहुत कम ही रखनी है ताकि ये मतलब धीरे धीरे अपना भून सके। और इसको जो है इतनी कम मात्रा में रखना है, ये बहुत धीरे धीरे मतलब है ये भुन जाए। और ये देखो भुन के कितनी बड़ी हो गई है। तो इसको देसी घी के अंदर भूनना है और गाय का भी मिल जाए घी तो अच्छा है, नहीं तो जैसा भी मिल जाए देसी घी उसके अंदर हमने देखिए ये आपके सामने भून रही है, हमने भून लिया है। इस छोटी हरड़ को भी हमने भून लेना है और गैस को बंद कर देना है। और इसको गैस को हमने बंद कर लिया है, छोटी हरड़ को भी हमने ये प्लेट में रख लिया है। अभी हमने इसके अंदर क्या लेना है आपके सामने हम ले रहे हैं, देखो जी सूखा धनिया है ये, हमने ये सूखा धनिया ले लिया है। और सूखा धनिया इसके साथ हमने ये काली मिर्च ली है और काली मिर्च के साथ हमने ये लिया है अजमोद। अजमोद अजवाइन से थोड़ा मोटा होता है, दिखने में अजवाइन जैसा होता है लेकिन टेस्ट में थोड़ा फर्क होता है। इसके अलावा हमने इसके अंदर ले लेना है पिपली, ये छोटी पिपली बोलते हैं इसको, ये हमने पिपली ले ली है। इसके साथ हमने ले लेना है छोटा है ये सौंठ का पीस ले लिया हमने, सौंठ
जैसा कि आप जानते हैं घरों में रहते हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर लिया है अमल बेत और चित्रक ले लिया हमने। अमल बेत व चित्रक का थोड़ा थोड़ा पीस ले लेना है। अमल बेत हमने डाल दी है, थोड़ी सी चित्रक डाल दी है, और इसके अब हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये तैयार हैं। और इसका हमने क्या करना है, कितना प्रयोग करना है और किस समय प्रयोग करना है ताकि हाजमा बना रहे। हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चीज़ें हो गई हैं। और इन इसके बाद हम एक दसवीं चीज़ इसके अंदर मिक्स करेंगे सबसे बाद में। तो वो क्या मिक्स करेंगे आप देखते रहिए। और इसको हम क्या करते हैं, अभी मिक्सी में डाल लेते हैं, पीस लेते हैं और इसको हम तैयार कर लेते हैं। पहले तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो हाथों के साथ इसको बनाते थे और बहुत मेहनत होती थी, लेकिन अब साधन होने की वजह कारण हम इसके आधुनिक उसके साथ इसको हम प्रयोग करके इसकी अच्छी तरह पिसाई कर लेनी है। पिसाई करने के बाद इसको कपट छान करना है या छलनी से छान लेना है, बारीक छलनी से है। देखिए हमारा ये तैयार हो रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल ये हमारा पिस चुका है। अब इसका हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा और है ना, इसका टेस्ट भी ठीक ठीक बन जाता है जो कोई हर एक प्रयोग कर लेता है। देखिए यह हमारा पिस चुका है। पिसने के बाद हमने क्या करना है, छलनी का। तो ये हमने ये बारीक छलनी के अंदर इसको छान लेना है। बारीक से बारीक छलनी होगी तो अच्छा ये सही वो निकलेगा। ये देखिए, या फिर कपड़ छान कर ले या बारीक कर ले, लेकिन बहुत बारीक होना चाहिए, ये मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे छलनी बोले इसमें छानी नहीं है। कोई नहीं, हमने इसको छान लेना है और छानने के बाद हमने क्या करना है, ऐसे इसको चुटकी भर ऐसे लेना है इतना, और इसको हमने जो है बिल्कुल छना हुआ होना चाहिए साफ। और इसको हमने खाना खाने के बाद लगभग 4-5 ग्राम के करीब हमने इसको लेना है, 4-5 ग्राम के करीब लेके इसको हमने खाना खाने के 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या घंटे बाद जैसा ही आपको मौका मिले, तो ये ताज़े पानी से हमने प्रयोग करनी है। ताज़े पानी से हम इसको प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा खाया पिया जो भी होगा वो फौरन पच जाएगा और हमें जो है इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप प्रयोग करके करेंगे तो आप इसके जो गुण हैं वो खुद ही बयान करेंगे और खुद ही कहेंगे कि वाकया ही कोई चीज़ है जो हमारे बुजुर्ग हमें बता के दे के गए हैं और वो इतना जानते थे जिसका हम फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। तो हमारा मकसद करनाल प्लस का एक ही है कि जो भूली बिसरी चीज़ें हैं बुजुर्गों की, जो हमारे बुजुर्ग प्रयोग करते थे, वो उजागर हों और उसका हम फ़ायदा उठा सकें। तो इसका फ़ायदा उठाइए, हमारे करनाल प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि ये भूली बिसरी जो छोटे छोटे नुक्ते हमारे बुजुर्गों के हैं वो पूरे संसार को पता चल सकें, उनको पता चल सके कि हमारे बुजुर्ग जो हैं कितने घरेलू नुक्तों के बारे में माहिर थे, वह कितने
इतने हमारे पास अच्छे अच्छे नुक्ते थे हमारे बुजुर्गों के पास, जिन्हें हम भुला चुके हैं। तो और दर्शकों, अगर आपके भी कोई सवाल हो, आप जानना चाहते हो वैद्य जी से अपनी बीमारियों के बारे में कि किस तरह आप ठीक हो सकते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप करनाल प्लस के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वैद्य जी से हम आपकी बात करा देंगे। उसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा किस चीज़ की बीमारी है, वो आप क्या उसका समाधान चाहते हैं, और वैद्य जी आपको समाधान ज़रूर उसका बताएँगे। तो उसके लिए वीडियो और बना दिए जाएंगे जैसे जैसे आपकी बीमारियां हमें पता लगेंगी या आपके कमेंट्स आते रहेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए इतने अच्छे नुस्खों को जो वैद्य जी बता रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए करनाल प्लस पे।